एक वक्त ऐसा था, ये वक्त था 1990 का, जब कार सेवा के लिए जो लोग जा रहे थे उन पर गोलियां चलवा दी गई थी उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर मस्जिद बनाई गई, जिस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई उस मस्जिद को हटा दिया जाए और मंदिर का निर्माण करवा दिया जाए। अपने आराध्य की पूजा करने की आज्ञा मांगना, क्या यही थी उनकी गलती? अपना हक मांगना, क्या उनकी गलती यही थी? न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण, बहुत स्वागत है आपका भारत है टाइम में। आज हम बात करेंगे राम मंदिर को लेकर, क्योंकि राम मंदिर की चर्चा इस वक्त चारों तरफ है। दरअसल राम मंदिर को लेकर जहां एक तरफ जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं और देखा जाए तो देश के हर राज्य से कुछ ना कुछ तोहफे के तौर पर अयोध्या पहुंचाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बयानबाजियां जो हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में जहां एक तरफ रामचरितमानस इतनी बिक रही है, लोग इतना पढ़ना पसंद कर रहे हैं कि स्टॉक खत्म हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसके इतिहास की भी बात लगातार हो रही है। इतिहास की बात इसलिए क्योंकि एक वक्त ऐसा था, ये वक्त था 1990 का, जब कार सेवा के लिए जो लोग जा रहे थे उन पर गोलियां चलवा दी गई थी उत्तर प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा। आज इस बयान की चर्चा मैं क्यों कर रही हूँ या इस वाक्य की चर्चा क्यों कर रही हूँ वो महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि उन्हीं के भाई शिवपाल सिंह यादव ने एक बयान दिया मीडिया के सामने। बयान को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, आज पूरे दिन भर इसकी चर्चा हुई, कई बड़े चैनल्स ने डिबेट्स की है। और ये बयान था कि कार सेवकों पर गोली चलाना गलत नहीं था, संविधान के तहत ये फैसला लिया गया था, क्योंकि कोर्ट के आदेश थे कि जैसी भी स्थिति है यथास्थिति बनी रहनी चाहिए। उनका कहना है कि लेकिन ये लोग आ गए और बाबरी मस्जिद तोड़ने लगे, अब कोर्ट का आदेश था कि यथास्थिति बनी रहे इसलिए हमें गोली चलवानी पड़ी, हमने कुछ गलत नहीं किया। इतना भर कहना था, राजनीति हो गई शुरू। ये बयान भी सुनिए। बताइए, कोर्ट का आदेश का पालन हुआ था? संविधान की जो सुरक्षा हुई थी, जब जति वहां पर जब कोर्ट का स्टे था, यथास्थिति बनाई रखनी थी, तो बताओ वहां पर जो विवादित ढांचा था, जो बाबरी मस्जिद थी, तो बताओ उस पर जब इन लोगों ने तोड़ा था, तो वहां के प्रशासन की जिम्मेदारी थी इस कोर्ट के अनुसार यथास्थिति बनाए रखनी थी, तो किसने उस पर संविधान के उल्लंघन किया था, किसने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया था, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए था। तो शिवपाल सिंह यादव ने बयान दिया, अब इस पर राजनीति ये हो रही है कि शिवपाल सिंह यादव के बयान को लेकर आड़े हाथों ले लिया गया है। दरअसल उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के पास तो अच्छा खासा मौका है माफी मांगने का, समाजवादी पार्टी तो जाए अयोध्या और माफी मांगे रामलला से, माफी मांगे उन कार सेवकों से जिन्होंने अपनी जान गवा दी इस पूरे युद्ध के दौरान, क्योंकि 500 सालों तक ये संघर्ष रहा और 500 साल बाद एक बार फिर से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। लेकिन जब समाजवादी पार्टी को एहसास ही नहीं है कि उन्होंने गलती की है, तो फिर माफी किस बात की, पश्चाताप किस बात का? हालांकि अपने अपने तरीके से भक्ति की बात हर कोई करता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ स्टालिन के बेटे ये कह रहे हैं कि हमसे बड़ा हिंदू कौन होगा, हम हिंदू हैं, क्या ये बीजेपी के नेता हमसे बड़े हिंदू हो जाते हैं, तो इस तरह की बयानबाजियां फिलहाल चल रही है। देखिए, एक तरफ भक्ति इस बात की है कि आपको जाना भी नहीं है लेकिन भक्ति दिखानी है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं क्योंकि इस पूरे दिन को पॉलिटिकल इवेंट भाजपा ने बना दिया है, आरएसएस ने बना दिया, इसलिए हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे लेकिन हम जाएंगे नहीं। बात यह है कि 22 जनवरी को बहुत सारे जो बड़े चेहरे हैं वो धार्मिक अनुष्ठान करने की तैयारी में है। जहाँ एक तरफ 22 तारीख को पूरा देश रामलला की पूजा अर्चना कर रहा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में होंगे, तो दूसरी तरफ असम में राहुल गांधी भी मंदिर में पूजा अर्चना कर सकते हैं, ऐसी अंदर खाने खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी काली पूजा कर सकती हैं, इधर अरविंद केजरीवाल भी मंदिर जा सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं, उधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे भी काला राम मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं।
इसके अलावा शरद पवार का ये कहना है कि वो अयोध्या आएंगे, 22 तारीख के बाद जरूर जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे। अखिलेश यादव पहले ही बोल चुके हैं कि 22 तारीख के बाद वो जाएंगे अयोध्या में, रामलला के दर्शन करेंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल ये कह चुके हैं कि वो सहपरिवार अयोध्या जाएंगे, जरूर जाएंगे, लेकिन उस दिन क्यों नहीं, सिर्फ इसे बीजेपी के एक इवेंट के तौर पर विपक्ष क्यों देख रहा है, ये क्यों नहीं देख रहा कि 500 साल का संघर्ष रहा और 500 सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार वो दिन आया है, उस दिन के हम साक्षी बने, उस दिन का साक्षी हर कोई बनना चाहता है, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्षी दल जो है वो कहीं ना कहीं इससे किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या विपक्षी दल भाजपा को गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, या विपक्षी दल वाकई धर्माचार्यों की या शंकराचार्यों की आड़ लेकर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। कल भी मैंने एक चर्चा की थी राम मंदिर को लेकर, आज भी मैं चर्चा कर रही हूँ, क्योंकि देखिए जितना वहाँ पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आज का दिन इम्पॉर्टेंट है, 22 तारीख का दिन इम्पॉर्टेंट है, इतना ही इम्पॉर्टेंट वो दिन था जब 1990 में कारसेवकों पर गोली चला दी गई थी, निहत्ते कारसेवकों पर। क्या मांग थी कि जहाँ पर मस्जिद बनाई गई, जिस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, उस मस्जिद को हटा दिया जाए और मंदिर का निर्माण करवा दिया जाए, यही गलती थी उनकी। अपने आराध्य की पूजा करने की आज्ञा मांगना, क्या यही थी उनकी गलती? अपना हक मांगना, क्या उनकी गलती यही थी? और भी तरीके हो सकते थे, लेकिन आपने आज सीधे तौर पर कह दिया कि हमने तो संविधान के तहत ऐसा फैसला लिया है, तो ठीक है। अब जनता सब कुछ देख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर धर्म से हटकर, आस्था से हटकर इस पूरे मामले को मैं देखूं तो राजनीति तो खेली जा रही है। अब बीजेपी कहती है कि जनता इनको जवाब दे देगी, तो विपक्ष कहता है कि जनता बीजेपी को जवाब दे देगी, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व को लेकर लगातार झूठा भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, ये सिर्फ हिंदुओं को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, बाकी किसी तरीके के नहीं। और इनका यही कहना है कि हिंदुओं को बरगलाने की कोशिश भाजपा करती है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष भी जानता है कि आप हिंदुओं को साइडलाइन नहीं कर सकते, भले ही राजनीति में आप जो मर्जी समझें, लेकिन साइडलाइन नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि साइडलाइन करने के बाद भी आप सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड लगातार खेलते हैं। अभी दो दिन पहले ये तस्वीर निकलकर सामने आई थी जब अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आए थे, सुंदरकांड का पाठ करते हुए नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं, और जिस तरह से मैंने अभी तारीखें बताई कि इस तारीख को कौन कौन कहाँ कहाँ मंदिर में पूजा अर्चना करने जा रहा है, यानी कि हर कोई अपना भगवान लेकर अपनी भक्ति बताने की कोशिश कर रहा है, वजह सिर्फ और सिर्फ वोट की है। आस्था की बात तो हम जैसे लोगों के लिए है, आप जैसे लोगों के लिए है जो पैदल चलकर, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आ रही है, मार्मिक तस्वीरें जिसे देखकर दिल भर आता है, आंखें भर आती हैं, पैदल चलकर कई 100 किलोमीटर दूर भगवान राम के लिए उनके भक्त आ रहे हैं, कोई अपनी चोटी से, कुछ संत ऐसे चोटी से रथ खींचते हुए लेकर जा रहे हैं, कोई ऐसा है जो 108 फीट लंबी अगरबत्ती बनाकर भेज रहा है, कोई ऐसा है कि कोई दान भेज रहा है, कोई ऐसा है, कुछ महिलाएं सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो डिलीवरी उसी दिन करवाना चाहती हैं क्योंकि उनके लिए वो दिन बहुत बड़ा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो, उसमें मुस्लिम महिलाएं भी, एक सामाजिक कार्यकर्ता मुस्लिम, वो दिल्ली से निकली हैं मयूरा इलाके से और पैदल चलकर वो राम मंदिर में दर्शन करने के लिए 22 तारीख के लिए जा रही हैं। किन्नर समाज खुश है, कई मुसलमान ऐसे हैं जो खुश हैं, कई मुसलमान तो ऐसे हैं जो अपने हाथों से पोशाकें बना रहे हैं, झंडे बना रहे हैं, ये तमाम चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। आपसी सौहार्द नहीं है तो क्या है, ये भाईचारा नहीं है तो क्या है, ये गंगा जमुनी तहजीब नहीं है तो क्या है? क्योंकि अयोध्या में भले ही विवाद रहा हो राम मंदिर और जो अब कुछ भी नहीं है, लेकिन उस दौर में था बाबरी मस्जिद, ये विवाद रहा हो, लेकिन वहाँ पर हमने भाईचारा भी हमेशा से ही देखा है, उस भाईचारे के तहत ही ये तस्वीर निकलकर लगातार सामने आई है। तो ऐसे में अब सवाल ये है कि जनता क्या राजनीतिक दृष्टि से भी इस पूरे प्रकरण को देखेगी, या फिलहाल सिर्फ और सिर्फ आस्था के लिए देश का बच्चा, देश का बुजुर्ग, देश का नौजवान राम में होता हुआ नजर आ रहा है। कमेंट करके जरूर बताएं कि शिवपाल यादव ने जो बयान दिया क्या वो सही है, और अगर सही है तो क्यों, और सही नहीं है तो क्यों, या वक्त के हिसाब से सही बयान उन्होंने नहीं दिया है।
भारत टाइम में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे।